हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बना रहे हैं हम मैंगो शेक, क्योंकि अब आम आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी बहुत कम आ रहे हैं, बट पता है आम जो है ना मीठे नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। तो चीनी वगैरह डाल के काफ़ी तब बनाना पड़ रहा है मैंगो शेक। तो बना रहे हैं हम लोग मैंगो शेक, क्योंकि खुशी आज स्कूल गई है, उसका कुछ आर्ट का कोई मतलब कुछ था, पता नहीं क्या था, अभी वो आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो वो गई है स्कूल, और उसके बाद खुश ध्रुव घर पर ही है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह इनके ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो है इनकी नई क्लास की पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो अभी कोर्स वगैरह नहीं आया है, रिज़ल्ट भी नहीं आया है अभी, तो अभी पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। घर पर ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। खुशी का जो है वो आर्ट का कुछ था, तो वो उसके लिए गई। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये मैंगो शेक, हमने खुशी के आने से थोड़ी देर पहले बना के रखा। और इसी तरीके से हम लोग मैंगो शेक का मज़ा लेंगे इस टाइम। टन टन मैंगो शेक, बताओ कैसा लगा? यम्मी, सो यम्मी। अभी खुशी आएगी, खुशी भी पिएगी। खुशी, क्या था आज तुम्हारा, क्या क्यों गई थी तुम स्कूल आज? वर्कशॉप। अच्छा, वर्कशॉप किस चीज की? आर्ट की, वॉल आर्ट की। अच्छा, जो तुम्हारा आर्ट का तुमने ले रखा सब्जेक्ट उसकी? हाँ। तो सुबह तुम्हें पापा छोड़ के आए? हाँ। कोको देखो, आते से उससे लिपट गया है। और कुछ ध्रुव, तुझे पता है क्रायरोन कौन सा हॉस्पिटल है? वो उसके सामने दो बार देख के आ गया। हाँ, तो मैं तो उमंग के साथ आई हूँ। उमंग कौन है? किसी मम्मी पापा का। अच्छा, चलो सही है। कोको को बड़ा खुश हो रहा है, कोको देख देख के खुशी को कह, अरे दीदी आ गई, अरे दीदी आ गई। सुबह से तुझे बहुत मिस कर रहा था ये। हमने तेरे लिए मैंगो शेक बनाया है, मैंगो शेक पियो। खुशी, हमने तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाया। बेबी बेबी, तुम्हें हमसे प्यार नहीं है? है, हमने मैंगो शेक बनाया बेबी। हाँ। तो खुशी आके सबसे पहले मैंगो शेक पिएगी, और कोको उसको देखेगा। और हमारा दूसरा कोको क्या कर रहा है? दूसरा कोको मोबाइल चला रहा है। तो आज कोको की डॉक्टर की विजिट थी, उसका ना इंजेक्शन लगना था रेबीज का। लास्ट कोर्स है ये वाला रेबीज का, फिर एक साल बाद लगेंगे। तो हमने कोको के सारे कोर्स कंप्लीट करा लिया, जितनी भी वैक्सीनेशन होती है ना वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। और अभी हम ना उसके हेयर कट वगैरह के लिए उसको घर पे भी कर देते हैं, बट ये ना कान की क्लीनिंग हो गई, या मतलब इंजेक्शन वगैरह हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर को ही दिखा कर करनी पड़ती हैं। और आज हम उसका डाइट चार्ट भी बनवा कर लेकर आए हैं, उसमें उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने के लिए बोली हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसको खिलाया करेंगे, क्योंकि अब गर्मी हो गई है। तो गर्मियों में ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रीड के डॉग थे, और कुछ नहीं कर रहे बेटा, गुड बॉय। कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो इधर देखो, ऐसे नहीं करते हैं। हाँ इधर करो, इधर, नो नहीं, कोई बात नहीं। बैठे रहो, कुछ नहीं करना, नहीं देखो, कोको इधर करो। अभी हम लोग थे डॉग क्लिनिक कोको को दिखाने के लिए। ये रहा, बताओ, इसको काफी गर्मी लग रही है, क्योंकि हम लोग लाइक चले गए थे, अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर को। इसकी वैक्सीनेशन वगैरह थी आज, रेबीज इंजेक्शन की, तो वैक्सीनेशन की वो लगवाने के लिए आए थे हम लोग। अब सर जी इधर बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही है यार, कुछ ज़्यादा ही। पापा भी अंदर ही हैं, वो कुछ पता नहीं कहाँ, मुझे कह दिया कि अंदर बैठ जाओ गाड़ी, मैं अंदर चल।
चली गई गाड़ी, मुझे नींद आ रही है अब, क्योंकि लाइक आज मैं स्कूल भी गई थी तो ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है। स्कूल गई थी मैं आज, पेंटिंग की वर्कशॉप थी, मेरी जीन्स गई, पेंटिंग की वर्कशॉप थी तो उसके लिए मैं स्कूल गई थी, तो अब मैं वापस आई हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इसका इंजेक्शन लगवाने के लिए आ गए थे, अब हम लोग घर जाएंगे, घर जाके देखते हैं मम्मी वगैरह को। इस बंदे ने कटवाने नहीं दिए अपने बाल बिल्कुल भी, आगे से वो बाल काट रहे थे ना इसके सिर से, तो बैंग्स जो थी इसकी वो काट रहे थे, काटने नहीं दिए है ना पापा, काटने नहीं दिए ना इसके बैंग्स इसने, हाँ बाल नहीं काटने दिए, घुरा रहा और भौंक रहा था उनके ऊपर। अब ये रहा, गर्मी लग रही है इसे। तो खुशी कोको को लेके आ गई है, कोको ये सुसु करेगा, कुछ करेगा, कोको इधर आओ, कुछ करेगा, ये लेके जाओ इसको बाहर, अभी डॉक्टर के पास से आया है तो परेशान हो रहा है, वॉशरूम कर, पहले पानी पीने दे, वॉशरूम कर लेगा, अभी कर लेगा, यहीं पे करो, यहीं पे करो वॉशरूम, हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। मेरा बच्चा घर के अंदर नहीं करता है, छोना बाबू है, देखो छू छू कर ली, अब पानी पी लो, पानी पी लो कोको, पानी पी लो, हाँ चलो डालो पानी पी लो। तो अभी पानी पिएगा क्योंकि ना पता है डॉक्टर के पास से आके ना बहुत परेशान हो जाता है ये। तो क्या क्या कर रहा था ये डॉक्टर के पास? कुछ भी नहीं करवाने दिया, बहुत गुस्सा कर रहा था, स्टार्टिंग में तो बैठा हुआ था ढंग से, हाँ फिर उसके बाद जैसे उन्होंने बाल छुए कैंची सामने लाए ना, घुराने और भौंकने लगा। अरे भाई इसका इंजेक्शन लग गया, यह है इसकी पूरी हिस्ट्री, मतलब फाइल इसकी पूरी। चलो तो कोई बात नहीं, नहीं कराया मैं, कर दूंगी है ना। ये भी बड़ा, ये वाला इसका आगे का देखना पड़ेगा ना कैसा है आगे का, तो समझ में आना चाहिए, अभी देखते हैं। सही है ना, उसको और दिखाओ बड़ा वाला, इसमें भी तो लगेगा तो वो पाइप बदल। अब लेना है तो ज्यादा छोटा भी सही नहीं है, बार बार तो लिए नहीं जाएंगे। हम लोगों ने एयर फ्रायर और वैक्यूम क्लीनर ले लिया, मैं यश को जबरदस्ती लेकर आ गई नहीं अपने साथ, और फिर मैंने उनसे ना खूब सारी शॉपिंग करा ली। तबीयत ख़राब में भी शॉपिंग करनी चाहिए ना, शॉपिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एयर फ्रायर और वैक्यूम क्लीनर दोनों लेने भी थे, नीड भी थी घर के लिए तो लेने भी थे, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिए। तो हमें पता है ऑलरेडी रात हो गई,
ये सब लेते लेते, लेकिन फाइनली हम लोगों ने ले लिया। ये कैसा आ रहा है कैमरा, दिल मिल दिल मिल। फाइनली हम लोगों ने ले लिया, घर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और मेरी गोद में बैठा है कोको। कोको हाय मेरा शन्ना, कितना एक्साइटेड है देखो जरा। उसको पता है मम्मा आ गई हैं और मम्मा बहुत सारा सामान लेके आई हैं, तो बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड हो रहा है, तो इसलिए बिल्कुल मेरे पास ही बैठा है। देखो अभी हम आपके साथ अनबॉक्स करते हैं अपना एयर फ्रायर और वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। कोको के लिए वैक्यूम क्लीनर आया क्योंकि अपने बाल ना सारे में इसके निकलते रहते हैं, जब हम कॉम वगैरह करते हैं ना तो इसके बाल निकलते रहते हैं। तो ध्रुव इसके साथ सतानी मत कर, चलो खुशी, खुशी चलो अनबॉक्स करो, खुशी चलो अनबॉक्स करो। चलिए अनबॉक्स करके दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मन कर रहा था कि ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो ये है हमारे एयर फ्रायर और ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर। चलो खोलो खुशी, वैक्यूम क्लीनर खोलो पहले। ये तो तुमने मुझे लग रहा है ऊपर से थोड़ा बहुत कर भी दिया छेड़छाड़। हाँ मुझे पता है। तो ये है वैक्यूम क्लीनर, अभी हम छोटा ही लेकर आए हैं, बड़ा वाला नहीं लेकर आए। इसको पन्नी से भी बाहर निकालना, वैसे ही मैंने वहां पे भी दिखा दिया था अपनी वाली पन्नी को। वो रुका रुका है, देखो कितना एक्साइटेड है कि पता नहीं क्या है। ध्रुव कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? कोको तुम्हें कैसा लगा? ये देखो अब एयर फ्रायर को खोलो। इतना लेकर आए तो ये है हमारा एयर फ्रायर, खोल लिया मैं सुनना अभी। तो ये इस तरीके से इसके फंक्शन है, टीवी देखने में लगे पड़े हैं। तो ये इसके साथ में ना इस तरीके से इसका ये आया है और ये ऐसे करके हम लोग इसको रख दिया करेंगे। तो ये एयर फ्रायर है। तो तुम्हें अच्छा लगा? अब तुम इसमें मुझे क्या क्या डिश बना के खिलाने वाली हो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं खा सकती। हाँ नहीं खा सकते तो ये तो वैसे है बेटा, इसमें तो ऑयल वगैरह डलेगा ही नहीं। क्यों तो क्या खिलाओगे? फ्रेंच फ्राई? ठीक है छोड़ दे, उसे क्यों परेशान कर रही है? कोको कोको जानता है मैं कौन हूँ? नहीं करो बेटा शैतानी। चलो गिफ्ट पैक कर दें इसे, गिफ्ट पैक हो गए इसमें, कर दें तुम्हें गिफ्ट पैक। हाँ चलो खुशी डिब्बा बंद कर दो, हो गया बंद, अब इसमें ही रहेगा ये बदतमीज। कोको कर दें तुम्हें इसी में बंद। ये हर चीज हटिए, तो हटिए खड़ा हो गया।